बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ब्रदर जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस तकरीब में खुश आमदीद। ज़िंदगी एक अमले मुसलसल, वक्त की कैद से आज़ाद, गुज़रते माह साल दिनों रात से बेनियाज। अपने अंदर बेपनाह गहराई और गिराई लिए हुए हैं। इदारे कम व बेश इसी असूल पर कायम है। वक्त की धूल गरचे इनकी अफादियत कम व ज़्यादा कर देती है, अफराद के आने जाने, सूरतों के तब्दील हो जाने का असर बिलाशुबा होता है, मगर बुनियाद कायम रहती है। तसलसल का ये अमल ही इसकी असल रूह है। आज की ये तकरीब भी इसी सफ़र का मज़हर है। आज हम यहाँ अपनी गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी का तनकीदी जायज़ा लेने के लिए जमा हुए हैं। खुद एहतजाबी का ये अमल आइंदा का लाहे अमल बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। लिहाजा ये याद रखना ज़रूरी है कि क्या इरादे बांधे गए थे, कौन से वादे किए गए थे और उनकी तकमील के लिए किस हद तक मेहनत की गई और नताइज कहाँ तक हासिल हुए। इसके साथ साथ ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि किन अमूर में मतलूबा नताइज हासिल ना हुए और उनकी क्या वजूहात हैं। इन तमाम अमूर का तनकीदी जायज़ा मुस्तकबिल की बेहतर मंसूबा बंदी में माविन और मददगार साबित होगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, लफ्ज़ इंसाफ गरचे बेशुमार माने अपने अंदर समेटे हुए हैं, मगर उर्फ़ आम अदालत और उसके दिए गए फ़ैसलों की हद तक सिमट कर रह गया है। अगर इन्हीं महदूद मानों में इस लफ्ज़ की गर्ज़ वायद को समझा जाए तो अदालत का काम मुतहारिब अफराद में फ़ैसला करना और वजह तनाज़ा को ख़त्म करना है। अगर सोचा जाए तो ये राह कतन आसान नहीं है। एक दफ़ा जब ये राह इख्तियार कर ली जाए तो इससे फ़रार मुमकिन नहीं, क्योंकि इससे फिर जाना गोया उस अहद की खिलाफ वर्जी है जो इस राह पर कदम रखते हुए बारगाह इलाही में उठाया जाता है। लिहाजा इस अहद को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश बहरहाल हर सतह पर जारी रहनी चाहिए कि कानून की अमलदारी और इंसाफ की फराहमी के लिए हर वो कदम उठाया जाए जिसकी इजाज़त आईन और कानून देता है, और इस अमल की तकमील के लिए अपनी तमाम तर क़ुव्वतों और सलाहियतों को बिला खौफ व ख़तर बरूए कार लाया जाए। यहाँ इस अमल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, रखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ की फराहमी के इस अमल में तन्हा अदलिया ये मकसद हासिल नहीं कर सकती। जब तक इसको बार और मुतालिका इदारों का तावुन और मदद हासिल ना हो, क्योंकि हर एक के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ ना सिर्फ मुतायन हैं बल्कि बाहमी तौर पर जुड़े हुए हैं, जिनको दुरुस्त तौर पर निभाना ज़रूरी है। लिहाजा मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए हर एक को अपने हिस्से का काम ना सिर्फ करना है बल्कि पूरी ज़िम्मेदारी और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ को निभाना है, क्योंकि किसी मुस्तरब की दादो फरियाद सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े गुनाह का कुफ़ारा है। अगर ये असूल हमारे पेश नज़र रहे तो यकीनन हम कामयाब रहेंगे, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखरत में भी। जहाँ तक इस अदालत की कारकर्दगी का ताल्लुक है, अहम इंतज़ामी और अदालती फ़ैसले जो गुज़िश्ता साल किए गए उन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, रजिस्ट्रार साहब तमाम आदाद व शुमार बयान कर चुके हैं जिनको दोहराना वक्त का ज़ियाँ है। माजी का ज़िक्र हो चुका, अब मुस्तकबिल का सोचना है और आइंदा का लाहे अमल तय करना है। इंसाफ की फराहमी बहरहाल हमारी अवलीन तरजीह रहेगी। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इदारे के इस्तेहकाम के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिनसे न सिर्फ इसके वक़ार में इजाफ़ा हो बल्कि अवामुन नास का एतमाद भी बहाल हो। बेलौस मेहनत, लगन और एहसास ज़िम्मेदारी से ही ये मकसद हासिल हो सकता है। कोशिश बहरहाल शर्त है। आइए अहद करें कि हम सब अपने फ़राइज़ पूरी ज़िम्मेदारी, दयानत और रियाजत से सरंजाम देंगे, मसाइब के खौफ से राह तर्क नहीं करेंगे।
اگر ہم ثابت قدم رہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم انشاءاللہ اس منزل کو پا لیں گے جس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے۔ آخر میں سب کی رہنمائی کے لیے چند لفظ۔ ماضی کی یاد اور مستقبل کے خوابوں میں کھوئے رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے حال کو تعمیر کرو۔ شکریہ۔